आज हम बात करते हैं लखनऊ क्षेत्र के मोहना के पिछड़ा मोमिन मुस्लिम समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष व प्रवक्ता मोहम्मद अकील खान ने कानून की गलती को सामने लाते हुए कासगंज पर चंदन गुप्ता के नाम के व्यक्ति को मारा गया था। उसी पर टिप्पणी करते हुए मोहम्मद अकील खान से बात करते हैं, आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। तब तक इस तरीके का हमारा काम चलने वाला नहीं है, तो पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज का प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रवक्ता होने के नाते उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि जिन लोगों ने कासगंज को आग में झोंकने का काम किया है, इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो चंदन गुप्ता उस दंगे में अपनी जान गंवाई है, तो चंदन गुप्ता भी हमारे ही परिवार से है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ के दंगे की ये निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिन लोग उन्हें इस घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और आगे ये है कि हम लोग का संगठन पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज का संगठन 15 फरवरी को कासगंज पर एक 5 लोगों का एक कमेटी गठित हुई है, जिसमें हम लोग कासगंज जा रहे हैं, जिसमें पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शहनवाज अहमद साहब के नेतृत्व में हम लोग जाएंगे। वहां पर चंदन गुप्ता के परिवार के लोगों से मिल करके उनको 1,00,000 रुपए का चेक दिया जाएगा संगठन की तरफ से, और 50,000 रुपए का चेक नौशाद अहमद को दिया जाएगा, और 50,000 रुपए का चेक जो अकरम है जिनकी आँख फोड़ दी गई थी इनको दिया जाएगा। और वहाँ पे हम लोग भी थोड़ी बहुत जानकारी करेंगे कि यहाँ पर ये हालात कैसे बने, किन लोगों ने इन हालातों